हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के। भिवानी पहुंची खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की चेयरपर्सन गार्गी कक्कड़ ने कहा कि भाजपा से पहले किसी भी सरकार ने इस बोर्ड को बढ़ावा देने के लिए प्रयास नहीं किए। अब खादी और बोर्ड को बढ़ावा देकर रोजगार बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही हर जिला में बोर्ड का स्टोर खुलेगा और फैशन शो करवाकर युवाओं को खादी से जोड़ा जाएगा। बता दें कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड चेयरपर्सन गार्गी कक्कड़ पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने अपने बोर्ड के 50 साल पूरे होने पर शुरू की जाने वाली नई योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही आरोप लगाया कि सबसे पहले किसी भी सरकार ने बोर्ड को बढ़ावा देने के लिए एक भी प्रयास नहीं किया। गार्गी कक्कड़ ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले पंचकुला में बोर्ड ने अपना स्टोर खोला है, साथ ही जल्द ही हर जिला स्तर पर बोर्ड अपना स्टोर खोलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान खादी बोर्ड ने प्रदेश भर में 1500 लोगों को रोजगार दिया है। कक्कड़ ने कहा बोर्ड अब जेलों में बंद महिलाओं को अपने साथ जोड़कर उन्हें रोजगार देने की नई पहल शुरू करेगा। इस दौरान उन्होंने खादी बोर्ड के माध्यम से रोजगार शुरू करने पर मिलने वाली सब्सिडी जीएसटी के बाद नाममात्र सब्सिडी से भी ज्यादा होने के सवाल पर कहा कि बोर्ड ने सरकार को खादी बोर्ड से जीएसटी हटाने के लिए प्रस्ताव भेजा है और उम्मीद है कि जल्द ही ये प्रस्ताव पास होगा। ऐसे में बोर्ड जल्दी खादी पर चर्चा और उसके बाद फैशन शो शुरू करेगा ताकि खादी को बढ़ावा और लोगों को रोजगार मिले। 50 वर्ष पूरे होने पर एक तो हमने बोर्ड का पहला अपना स्टोर खोल लिया है। अभी तक हरियाणा में खादी को बढ़ावा देने के लिए या ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने कोई कदम नहीं उठाया था। इस सरकार में आने के बाद इस पिछले 1.5 महीने में 1500 लोगों को रोजगार बढ़ा है, जो आंकड़े बोलते हैं पहले से अब में। और इसके अलावा पहला स्टोर खुला है खादी के नाम से। अब हर जिले में जो स्टोर खुलेगा वो हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का रहेगा। हर खादी से हरियाणा खादी को हमने अलग किया है ताकि ये अलग पहचान बने हरियाणा के अंदर कि हरियाणा बोर्ड के हैं। के अलावा अब हमने आज मेरी भिवानी महिला जेल में पहली विजिट है। महिलाएं कैसे काम कर पाएं, बोर्ड के साथ जुड़ पाएं, उनको हम क्या नया करा सकते हैं। उस टाइम आपने कहा था कि मैं शीघ्र ही पता करूंगी बोर्ड के बारे में, तो उस समय जो सबसे बड़ी समस्या थी जो आज भी है कि जो भी सब्सिडी मिलती है वो जीएसटी में खत्म हो जाती है। देखिए इसको खत्म करवाने के प्रयास करेंगे तो जाहिर से फायदा ही नहीं होगा, तो फिर कौन इससे रोजगार में। देखिए लोन जो लोग अप्लाई करते हैं और जो सब्सिडी वाली आप बात कर रहे हैं, ये वाला विषय हमने बनाकर भेजा हुआ है सरकार के पास और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ अपनी सरकार सेंटर से भी और स्टेट की सरकार से भी कि वो ग्राम उद्योग और खादी पे लगने वाली जीएसटी पे जरूर हमें राहत दिलवाएंगे।